यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। ब्रजलाल खाबरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में निराशाजनक परिणाम आने के बाद अजय कुमार लल्लू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि करीब 6 महीने बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी यूपी का प्रभार संभाल चुकी हैं, लेकिन उनकी लगातार सक्रियता के बावजूद कांग्रेस को प्रदेश में सिर्फ 2 ही सीट मिल पाई हैं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने की घोषणा पर ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि मैं इस भूमिका के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस सभी को एक साथ लेकर चलना चाहती है। हम धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। दलित प्रदेश अध्यक्ष होने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने आज की जरूरत को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया है। प्रदेश में कांग्रेस को लेकर चुनौतियां पर उन्होंने कहा कि राजनीति हालात बदलते रहते हैं। पहले हम सत्ता में थे, अब हम नहीं हैं। ये लड़ाई देश और संविधान बचाने की है और हम सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस ने एक तरफ ब्रजलाल खाबरी को अध्यक्ष बनाकर दलित समाज को मैसेज दिया है, वहीं प्रांतीय अध्यक्षों में 2 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम, 1 भूमिहार और पिछड़ी जाति से 2 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि घोषित पदाधिकारियों को जाति आधार पर कार्यक्षेत्र दिए जाएंगे। पूर्वांचल में वीरेंद्र चौधरी, प्रयाग में अजय राय, अवध में नकुल दुबे, ब्रिज में यादव लैंड में आने के बाद अनिल यादव और बुंदेलखंड में योगेश दीक्षित को जिम्मेदारी दी जा सकती है। ब्रजलाल खाबरी ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत बसपा से की थी। कुछ ही समय में उनकी गिनती बुंदेलखंड बसपा के कद्दावर नेताओं में होने लगी। 1999 में जालौन गरौठा सीट से जीत हासिल कर लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। बसपा के टिकट पर वो 2004 में भी चुनाव लड़े, पर हार का सामना करना पड़ा। 2008 में वो बसपा से राज्यसभा सदस्य बने। 2014 में चुनाव में उन्हें हार मिली। 2016 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में वो ललितपुर की महारौनी सीट से चुनाव लड़े, पर हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो जालौन गरौठा सीट से चुनाव लड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव में महारौनी से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उनके सामने ये कड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कांग्रेस को किस तरह से वो पटरी पर लाते हैं।